गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं मोनालिसा उड़ीसा से आई है। आप सभी का मेरे छत पर स्वागत है। और आज मैं बताती हूँ कैसे हम लोग मार्केट की सब्जी, जो केमिकल वाला सब्जी लाने से बच सकते हैं। अपने छत पर अगर ऐसा थर्माकोल से हम थोड़ा थोड़ा करके सब्जी लगाएंगे और हमें रोज़ अच्छे से ही सब्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी, थोड़ा थोड़ा ही की थी। यहाँ 2-4 मटर का पौधा लगाई थी, मुझे कम से कम एक मुट्ठी करके मटर 2-3 बार मिला। और यहाँ पे सारे फूल गोभी का पौधा था, ब्रोकोली और फूल गोभी हमने हार्वेस्टिंग किया काफ़ी सारे। और वहाँ पे एक टमाटो का पौधा अपना आप उगा था, वो देखिए कितना बढ़िया से लगा है। और करेला था उसमें, और उसमें भी मुझे 2-3 बार हार्वेस्टिंग करेला का मिला। और ये रहा सिंभोली का पौधा जो हाइब्रिड है, और यहाँ से मैं आज भी हार्वेस्टिंग की हूँ। और वहाँ पे भी एक सिंभोली का है जो ग्रीन कलर का ग्रो बैग में, और 3 जगह यहाँ पे भी मैंने लगाई थी। ये देसी वाला सिंभोली है, ये थर्मोकूल में लगा है। और ये तो मुझे काफ़ी बार हार्वेस्टिंग मिला। और ये सारे देखिए मेरे किचन कंपोस्ट से ये निकला हुआ पौधा, मैंने इन्हीं को ही उखाड़ के लेके लगा दी थी। और यहाँ से मुझे काफ़ी बढ़िया टमाटो रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन एक एक केजी, डेढ़ डेढ़ केजी का टमाटो हार्वेस्टिंग के लिए मिल रहा है। और बैंगन का पौधा से भी मुझे बढ़िया से बैंगन मिलता है। ये देखिए आज भी मैंने तोड़ी है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा प्याज का पौधा लगा ली थी, और ये प्याज बनना भी स्टार्ट हो गया है। देखिए ये सारे प्याज बन रहा है। और यहाँ पे गाजर है, और गाजर भी हम लोगों ने हार्वेस्टिंग किया है। और भी टमाटो पक रहे हैं। और बीन्स का मैंने 8-9 पौधा एक थर्माकोल में लगाई थी, वहाँ से भी मुझे काफ़ी बीन्स मिलता है। और ये धनिया पत्ता है, यहाँ से धनिया पत्ता मैंने आज बहुत सारे हार्वेस्टिंग की है। और ये शिमला मिर्च मैंने लगाई है और एक बार हार्वेस्टिंग कर ली है। और यहाँ पे भी एक बैंगन का है, और ये न्यू प्लांट है, यहाँ से मैंने हार्वेस्टिंग नहीं की, अभी फ्लावरिंग हो रहा है, बैंगन नहीं बना इसमें। और ये देखिए यहाँ पे 3 शिमला मिर्च बना है, और इन एक दो बार मैंने यहाँ से हार्वेस्टिंग कर ली है। और ये रहा जो मैंने आज बीन्स हार्वेस्टिंग की थी। और ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तो हमें अच्छे से हार्वेस्टिंग मिल जाएगा, और मार्केट भी शायद नहीं जाना पड़े। और यहाँ पे मेरा जो है मिर्च का पौधा है 3-4, और यहाँ से मुझे बढ़िया से मिर्च मिल जाता है। 4 लोगों के लिए जितना ज़रूरत है उतना मिर्च मिल जाता है। और ये रहा मेरा आज का हार्वेस्टिंग। ये देखिए ये इतना बीन्स मैंने तोड़ी है, 7-8 बीन्स का पौधा था। बीच में तो बहुत ज़्यादा 400-500 ग्राम बीन्स मुझे मिलते थे हार्वेस्टिंग के लिए। और इतना धनिया पत्ता है, और मिर्च इतना तोड़ी है, इतना टमाटो, और इतना सीम फली, एक खीरा है, और 2 करेला है, और बैंगन है। और आज के मेरा हार्वेस्टिंग इतना है। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरे सारे ऑर्गेनिक सब्जी है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।